अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। प्लीज इन्फॉर्म इट ऑन योर ग्रुप टू जॉइन द क्लास एज सून एज इट इज पॉसिबल। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम उसामा। वालेकुम अस्सलाम अफीफा। यू जस्ट हैव 1 मिनट। हेलो अलिश्का। हेलो ईमान। हेलो अफीफा खान, अफीफा रहीम कुंडी, अनुशा एंड रेस्ट ऑफ यू। हेलो तलाल, इट्स प्लेजेंट टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज थोड़ी सी मुश्किल बातें कर रहे हो। मुश्किल इन अ सेंस, फर्स्ट टाइम इस बात का डिस्कशन आपसे होगा। बात एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही है। अच्छा, सो आई थिंक we were done with the discussion of mass spectroscopy and analysis of the graphs provided by the examiner and calculation of relative atomic masses. Right? आज हमें बात करनी है इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, कैसे हैं, उनको ढूंढना है, इनको स्पेसिफिकली लोकेट करना है और पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पिछली क्लास से थोड़ा सा एडवांस है, मतलब ओ लेवल से थोड़ा सा एडवांस आइडिया है। इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। विच आर प्रेजेंट in specific shells, जो specific shells में है। shell क्या होता है? shell के लिए तुम और दो terms पढ़ चुके हो, orbits and energy level। फर्ज करते हैं लिथियम का एटम प्लस जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो प्लस। ये क्या है? प्लस क्या है? प्रोटॉन्स है। और जीरो क्या है? न्यूट्रॉन्स है। और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो तुम अपने ओ लेवल्स में ही पढ़ के आए हो। This is first shell. And this is
सेकंड शेल। फर्स्ट शेल थोड़ा सा छोटा है, इट्स अ स्मॉलर शेल। सेकंड शेल थोड़ा सा बड़ा है। देखो जैसे जैसे न्यूक्लियस से अवे होते जाओगे वैसे वैसे साइज ऑफ शेल बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट शेल इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्लोज है, छोटा शेल होगा। देखो एटम के स्ट्रक्चर को, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, मोर यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस साइज ऑफ शेल बढ़ता जा रहा है, साइज ऑफ शेल बढ़ता जाता है एज द साइज ऑफ शेल इंक्रीजेस, capacity of shell is also increasing. Increase. अच्छा अब एनर्जी के हिसाब से बात कर लेते हैं। फर्स्ट शेल जो कि न्यूक्लियस से करीब है, इट इज कॉल्ड स्मॉलर एनर्जी लेवल, यानी इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होनी चाहिए। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये तो दो एस्पेक्ट्स हो गए, एक एनर्जी का एस्पेक्ट हो गया और एक नंबर ऑफ शेल। अब्दुर्रहमान, यस सर, दोज इलेक्ट्रॉन आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन। सर आपकी आवाज कट गई। क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस द फर्स्ट शेल इज एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन अब्दुर्रहमान, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है फर्स्ट शेल में है, क्या वो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे? क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा बाकी जिसको आवाज मेरी सही, किस क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन दिस। बिल्कुल क्लियर है? एम आई ऑडिबल क्लियरली? ऑलराइट भाई, क्लियर आ रही है? तो रहमान यू गो एंड सिट क्लोज टू द राउटर ताकि तुम्हारे सिग्नल्स पूरे आते रहे। थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन तो होगा, वी आर ऑन वेव्स। अच्छा डिस्टॉर्शन हो रहा था इससे पहले। चलिए अब्दुर्रहमान, कैन यू हियर मी क्लियरली नाउ? यस सर। ओके अब्दुर्रहमान, मैंने पूछा कि जो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, दोज इलेक्ट्रॉन दैट आर इन फर्स्ट शेल, क्या ये सबसे ज्यादा अट्रैक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं? यस सर। अच्छा जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो होनी चाहिए, है ना भाई? यस सर। अच्छा जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाऊंगा अट्रैक्शन का फैक्टर कम होता जाएगा जी, और जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रह जाएगी, इस बात में बिलीव है? यस सर। ओके एक बात हमारी ये हुई। दूसरी बात हमने क्या की कि हर शेल की कैपेसिटी वैरी करती है,
पहला शेल में दो हैं तो दूसरे में कितने हैं, तो तीसरे में कितने हैं, चौथे में कितने हैं। जैसे जैसे शेल की साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनकी कैपेसिटी भी ऑल्टर होती जाएगी। ठीक है, कैपेसिटी ऑल्टर। सबसे पहले तो मुझे ये पता करना है कि किस शेल में कितनी कैपेसिटी है। इसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं 2n स्क्वायर। फर्स्ट शेल की कैपेसिटी n इज द नंबर ऑफ शेल, कैपेसिटी कितनी है 2। सेकेंड शेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ, थर्ड शेल हैज अ कैपेसिटी ऑफ, फोर्थ शेल हैज कैपेसिटी ऑफ, फिफ्थ शेल हैज कैपेसिटी ऑफ, सिक्स्थ शेल हैज कैपेसिटी ऑफ एंड सेवेंथ शेल हैज कैपेसिटी ऑफ 98। अच्छा, जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जा रही है शेल के अंदर, मेरे लिए एक एक सोच मेरे जहन के अंदर डेवलप होती है कि ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और अगर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तो तमाम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो एटम का स्टेबल रहना मुश्किल होता जाएगा। क्या ये बात सही है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इफ दे आर इन दैट ह्यूज नंबर दे विल डेफिनेटली रिपेल ईच अदर। तो मुझे इनको इस तरह से प्लेस करना है एक दूसरे से दूर, एक दूसरे से डायमेंशन में, कि ये एक दूसरे को फेस ना कर पाए और इनके दरमियान रिपल्जन ना हो। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। इनकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंगली की जाएगी। अब जरा देखिए, मैंने शेल को एक नाम दिया शेल ही का, एक नाम दिया ऑर्बिट का, एक नाम दिया एनर्जी लेवल का। ये तीनों टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाए। अगर इसी शेल को एक और नाम दे दिया जाए विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं क्वांटम थ्योरी के थ्रू शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह दू, इट एग्जैक्टली मीन्स द सेम एज शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। लेकिन ये आइडिया क्वांटम थ्योरी मुझे इलेक्ट्रॉन को एक्यूरेटली प्लेस करने में हेल्प करती है। आई एम टेलिंग यू, नन ऑफ द टर्मिनोलॉजी कैन हेल्प मी। शेल ऑर्बिट, ऑर्बिट किसी हद तक हेल्प कर सकता है लेकिन नॉट 100%, जितना एक्यूरेटली ये टर्मिनोलॉजी मेरी अब हेल्प करेगी। अच्छा, अब फर्स्ट करो,
एक आदमी ऐसे घर में रहता है जिसमें सिर्फ चार दीवारें हैं। अच्छा, दूसरा आदमी ऐसे घर में रहता है कि जिसमें एक कंस्ट्रक्टेड एरिया अलग और एक बाउंड्री वॉल अलग है। और इस कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर तीन रूम्स हैं। कुछ लोग ऐसे घर में रहते हैं कि जिसमें ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है, मतलब बाउंड्री वॉल है, मतलब हर एक के घर का डिजाइन शेप, और ये उसका सर्वेंट क्वार्टर है। कुछ और बड़े घर में जाएंगे, जैसे जैसे घर बढ़ता चला जाएगा, पार्टीशंस घर में मुख्तलिफ साइज के होते रहेंगे। मैं एक और घर बना लेता हूँ जो इससे भी बड़ा है, थर्ड वाले घर से। तो उसने कंस्ट्रक्टेड लिविंग एरिया एक अलग बनाया हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर एक अलग बनाया हुआ है, और सिक्योरिटी गार्ड रूम एक अलग बनाया हुआ है। और बड़ा घर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टेड एरिया एक अलग होगा, गार्ड रूम भी होगा, सर्वेंट क्वार्टर भी होगा, कुछ एनिमल्स के लिए भी जगह बनाई हुई। मतलब मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्लॉट, छोटा घर, कम कैपेसिटी, कम ब्लॉक्स, ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं। यही आइडिया मैं शेल के ऊपर अप्लाई करता हूं। इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से दूर रखने के लिए विद इन अ शेल भी कुछ रीजन्स लोकेटेड होती हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को फेस ना करें। इज दैट आइडिया मेकिंग सम सेंस कि शेल में प्लेसमेंट कैसे होगी? यस प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द चैट बॉक्स। आई हैव टू कीप देम अवे फ्रॉम ईच अदर। तो चलिए अब जरा देखें, शाबाश फॉर रिस्पॉन्डिंग क्विकली। ओके सुमायता, तो हर शेल के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ, अब रीजन कह लो तुम, रीजन तो हमने ये घर बना के जो बनाई है वो तो है, या पर इनको जोन कह लो, एरिया कह लो, जहां इलेक्ट्रॉन डिफरेंटली प्लेस्ड हैं विद इन शेल इन ऑर्डर टू अवॉइड कोलिजन और रिपल्शन। किस चीज को अवॉइड करने के लिए? रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन? कोलिजन तो हो नहीं सकता क्योंकि सबके सब नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वैसे ही रिपल्शन, रिपल्शन इज अ बेटर टर्म। अच्छा जी, चलिए थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं कि हम एक्चुअली बात करना क्या चाह रहे हैं। शेल का मतलब, ऑर्बिट का मतलब, एनर्जी लेवल का मतलब, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इन सब का मतलब एक ही है। अच्छा, जो रूम्स बनाए थे या रीजन्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया बनाए थे, इनको मैं सब शेल कह सकता हूं, सब ऑर्बिट कह सकता हूं, सब एनर्जी लेवल कह सकता हूं।
तो सर क्वांटम में देखो, शेल के लिए टर्म कौन है? सब शेल, स्मॉलर रीजन। ऑर्बिट के लिए सब ऑर्बिट, एनर्जी के लिए सब एनर्जी। तो क्वांटम के लिए प्रिंसिपल क्वांटम, ये क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम था ना, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ शेल को मैं प्रिंसिपल क्वांटम कह रहा हूं। तो सब शेल को मैं क्या नाम दूंगा? सब शेल को मैं कहूंगा एंगुलर क्वांटम। अच्छा, वापस चलते हैं। इस घर को ऑब्जर्व करो, ये वाला घर। मैं एक कलर चेंज करता हूँ, ब्लू। इस घर में एक बाउंड्री ये है, एक ये है, रीजन है ना। अच्छा, सर्वेंट क्वार्टर में मजीद क्वार्टरिंग नहीं होती या मजीद डिवीजन नहीं होती है ना, लेकिन कंस्ट्रक्टेड रीजन के अंदर मेरे पास रूम्स हो सकते हैं। फर्स्ट करेंगे रूम वन, रूम टू एंड रूम थ्री। और एक रूम में कितने लोगों की कैपेसिटी है? दो लोगों की, दो लोगों की, जिसमें पार्टिशनिंग नहीं हुई हुई, जिसमें क्वार्टरिंग नहीं हुई हुई, जिसमें डिवीजन नहीं हुई, उसमें सिर्फ दो लोग। और इस बड़े रीजन में कितने लोग हैं? छह लोग हैं। हर एक अपने अपने रूम में खुश है। So, subshell, वो रीजन है, यानी अलग अलग कंस्ट्रक्टेड एरिया सबके लिए। अच्छा, आई डोंट हैव एनी अदर टर्मिनोलॉजी विद रेफरेंस टू द शेल और subshell। subshell से छोटी कोई और यूनिट मैं नहीं बना सकता। एनर्जी लेवल में भी कोई छोटी टर्म नहीं बना सकता। हाँ, बट मैं सब ऑर्बिट से नीचे एक टर्म बना सकता हूं जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। सब ऑर्बिट से जो स्मॉलर यूनिट है वो कौन है? ऑर्बिटल। शेल में इससे नीचे कोई टर्म नहीं है, मतलब वी आर फेल टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू शेल एंड विद रेफरेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल। लेकिन क्वांटम में मेरे पास टर्म है, ऑर्बिटल्स को मैं मैग्नेटिक क्वांटम भी कह सकता हूं। अब ऑर्बिटल में भी मजीद स्मॉल टर्म मौजूद अवेलेबल नहीं है। ये क्या था? घर, रूम्स, घर, कंस्ट्रक्टेड एरिया, रूम्स इन ईच कंस्ट्रक्टेड एरिया। और अब आखिरी टर्म मेरे पास है स्पिन क्वांटम, एंड दिस इज शोइंग हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन दैट रूम। रूम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम। अब जरा बात को शुरू करते हैं। ये तो मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस की, घर, टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड एरिया, रूम्स इन ईच कंस्ट्रक्टेड एरिया एंड पीपल इन ईच रूम।
राइट जी, एक मिनट जरा जरूरी जवाब देना पड़ेगा। ओके ये तो हमने, यहां तक मेरे साथ हैं सब सारे बच्चे, किसी एक को भी कंफ्यूजन है, लेट आया, कुछ हुआ है, कोई कोई बात प्लीज यहाँ पे पूछ लो बिफोर आई स्टार्ट दिस डिस्कशन इन डिटेल। इज दिस क्लियर कंप्लीटली? सुमायता मेरी आवाज क्लियर आ रही बेटा? सुमायता ऑलराइट, चलो ये तो देखो मैंने तुमसे कहा था ना, इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना एक आर्ट है। ये क्वांटा थ्योरी या क्वांटम थ्योरी इतना परफेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस कर रही है कि इसमें कोई डाउट बाकी नहीं रहेगा। अब जरा कुछ बातें मैं पहले से इन्फॉर्म कर, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू वन फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल या कुछ भी हो सकती है। एंगुलर क्वांटम को फाइंड करना है, इट इज रिटन बाय लेटर एल, जो कि बराबर है n माइनस वन। अगर तुम्हें l वैल्यू फाइंड करनी है तो जो n वैल्यू तुम यूज, l वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी तुम्हारे लिए। अगर l वैल्यू जीरो है तो उस कंस्ट्रक्टेड रीजन का नाम है s, ठीक है? हम नंबर से याद रखें। अगर एल वैल्यू वन है तो इस कंस्ट्रक्टेड रीजन का नाम पी है। अगर एल वैल्यू टू है तो उस कंस्ट्रक्टेड रीजन का नाम, एल वैल्यू थ्री है एफ, L वैल्यू फोर है तो G, L वैल्यू फाइव है तो H, L वैल्यू सिक्स है तो I। अच्छा जी, डिस्कशन शुरू होता है हमारा अब। पहले मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम इज रिप्रेजेंटेड बाय ML। इनकी वैसे तुम्हें इतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दफा तुम इस चीज को सीख जाओगे तो फिर दोबारा शायद इसको इस्तेमाल भी ना करो। ML बताता है कंस्ट्रक्टेड रीजन में रूम्स कितने हैं। जो भी L वैल्यू आए उसकी रेंज बना लेना माइनस एल से प्लस एल। सर ये इतनी सारे नंबर, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी, हमें बहुत डर लग रहा है, कुछ डरने की जरूरत है, बहुत आसान चीज है, बस एक दिन में तुम्हारा ये आइडिया कंफर्म करके कंसोलिडेट कर दूंगा अभी के अभी। लेट्स
talk about shell number one, principal quantum one. तो इसकी L value क्या होनी चाहिए? Zero. एक मिनट, सारे बच्चे अपने माइक खोल दो जो खोल सकते हैं आसानी से, और जिनके पास ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है बस वो बंद रखें, लेकिन दो चार बच्चे माइक खुला रखें ताकि मैं उनसे कंसिस्टेंटली, वो मुझे रिस्पॉन्ड करते रहे, वो मुझसे पूछते रहे, मैं जो लिखूं उस पर क्वेश्चन पूछे रहे. हेलो लाइबा. यस सर. हाउ आर यू विदा? सर फाइन. अच्छा लाइबा, अभी तक का डिस्कशन समझ में आया तुम्हारे? जी सर, समझ आ रहा है. अच्छा, अगर एल वैल्यू जीरो है तो उस कंस्ट्रक्टेड रीजन का नाम मैंने क्या लिखा है? S. अच्छा, अब लॉजिकली तुम एक साइंस स्टूडेंट हो, तुमने मैथ सारी जिंदगी पढ़ा, क्या जीरो की कोई रेंज हो सकती है माइनस जीरो से प्लस जीरो तक? नो सर. यस और नो? नो. आई कांट हियर अब्दुल रहमान. जीरो की कोई रेंज होती है बेटा? नो सर. नहीं होती. इसका मतलब है शेल नंबर वन में जो कंस्ट्रक्टेड रीजन एस है उसमें कोई पार्टीशन नहीं होगा, या उसमें कोई रूम मजीद नहीं होगा. क्या ये बात सही है? जी सर. ओके. यस सर. इज इट क्लियर? अब्दुल रहमान, इज दिस थिंग क्लियर? यस. शुमाइता, कई बात सेंस कर रही हूँ? ओके. चलो, इसका मतलब है एस एक ऐसा कमरा है जिसमें मजीद कोई कमरा नहीं है, जिसमें मजीद कोई पार्टीशनिंग नहीं है, इसमें से दो लोग रह सकते हैं, यानी ये सर्वेंट क्वार्टर होगा जिसमें दो गार्ड्स रह सकते हैं, है ना भाई? शेल नंबर टू. लाइबा, शेल नंबर टू एन वैल्यू टू, तो इसकी एल वैल्यू क्या होगी? लाइबा, आर यू विद मी? जी सर. वन. इसकी L वैल्यू N माइनस. अब यहाँ पे एक आइडिया दिमाग में रखो, अगर L वैल्यू 1 है, 1 ऑलवेज कम्स आफ्टर 0, तो इस घर में S तो है ही लेकिन P भी है. इसमें S तो है ही लेकिन साथ साथ पी भी मौजूद है, तो मुझे एस की पार्टीशनिंग तो पता थी कि एस में तो कोई पार्टीशन नहीं है, मैं ऊपर वाले शेल में करके आया हूं. इस शेल में मेरे पास नया कंस्ट्रक्टेड रीजन कौन है? पी. तो पी में देखता हूं कितने रूम्स हैं, माइनस वन, जीरो, प्लस वन. कितने कमरे निकले? तीन. एक कमरे में कितने लोग हो सकते हैं? दो. कम से कम जो मुझे एस ने बता दिया था. तो पी में टोटल लोग कितने रह सकते हैं? छह. पी की कैपेसिटी हो गई 6, एस की कैपेसिटी हो गई 2. इज दैट मेकिंग सेंस टू एवरीवन? एवरी सिंगल चाइल्ड इन माय क्लास, सब रिस्पॉन्स करो. तलाल, is that making sense beta? अगर तुम लोग पूरी तवज्जो के साथ निकालो ना. हाँ उसामा, मैं 10 दफा करूंगा. ना हमने कहा पहले शेल में L वैल्यू, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड रीजन एक निकला, उसका नाम S था, उसका नंबर 0 था, उसमें मजीद कोई पार्टीशनिंग नहीं थी,
सेल नंबर टू जीरो और मेरे पास एल वैल्यू क्या आई, मैक्सिमम वन आई। अगर वन वैल्यू आए तो उसका मतलब मुझे अज्यूम कर लेना इसके पास जीरो भी है, ये बड़ा घर है ना, तो उसमें सेवन क्वार्टर भी होगा, लिविंग एरिया भी होगा। दो कंस्ट्रक्टेड रीजन है। एस की कैपेसिटी मैं पहले ही जान चुका था कितनी है, कि एस की कैपेसिटी टू थी और एस में कोई रूम नहीं था। लेकिन पी की वैल्यू कितनी है, वन। मैग्नेटिक क्वांटम मुझे क्या बताता है कि किसी भी सब शेल में, किसी भी सब ऑर्बिट में, किसी भी सब एनर्जी लेवल या एंगुलर क्वांटम में कितने रूम्स हो सकते हैं बाय बाय द रेंज ऑफ द नंबर। वन की रेंज, जीरो की रेंज नहीं हो सकती थी, मैं यहां देख चुका था ऊपर वाले शेल में। लेकिन वन की रेंज बन सकती है माइनस वन जीरो वन, कितने रूम्स बने, तीन रूम्स बने। मिनिमली एक रूम में कितने लोग रह सकते हैं, दो 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 और दो, टोटल कितने लोग रह रहे हैं इसमें पी में, सिक्स। चलो तीसरा देखो, तो चीजें टाइमली समझ में आएगी। थर्ड शेल, इसकी एल वैल्यू क्या होगी भाई लाइबा सर, टू टू, तो यानी इसके पास जीरो भी होगा वन भी होगा, ऐसा ही है जी। यानी इसके पास एस भी है पी भी है। नया सबशेल कौन सा आया आपके पास, एल वैल्यू टू होगी तो सबशेल डी। टू की रेंज बताओ, माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू, कितने रूम्स निकले इसमें से, फाइव फाइव। हर रूम में कितने की कैपेसिटी है, दो लोगों की, तो डी में कितने लोग सो सकते हैं टोटल, टेन टेन, ठीक है। फोर्थ शेल पर चलते हैं, जीरो वन टू थ्री, ये सबसे बड़ा है। इस सब शेल का नाम मैंने क्या दिया, एफ, लेट्स मेक अ रेंज ऑफ कितने हो गए टोटल, सेवन, तो इसमें तो कितने लोग सो सकते हैं, फोर्टीन। अब्दुल रहमान मेकिंग सेंस, यस सर, क्लियरली। फिफ्थ शेल की बात करते हैं, उसकी एल वैल्यू कितनी आएगी, फोर, जीरो भी है वन भी है टू भी है थ्री भी है फोर भी है, माइनस फोर से प्लस फोर कितने नंबर हो गए, नाइन नंबर्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इस सबशेल में, 18। शाबाश एमन, यू आर रिस्पोंडिंग प्रॉम्प्टली। सिक्स शेल, इसमें एल वैल्यू क्या होगी, माइनस फाइव से प्लस फाइव, कितने नंबर्स हो गए, 11। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं सब शेल में, 22। शाबाश बेटा, बाकी सब मेरे साथ एक मिनट रुको, यहाँ पे मुझे सारे बच्चे रुके, सब एक दफा मुझे मैसेज करें, यहाँ तक सिक्स शेल तक बात समझ में आती है। देखो I'm just trying to make a real idea about it. इसमें कोई नहीं पढ़ाता ये सब, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बच्चों से कोई भी किसी किस्म का सवाल पूछे ना, तो मेरे स्टूडेंट्स आंसर कर सके। ओके चलो, तलाल माइक ऑन करोगे, तलाल जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वाइफ साहब माइक कहाँ गायब है सर, मैं शहर से बाहर था एक हफ्ते, तो आ गया।
कौन से शहर गए थे? सर मैं इस्लामाबाद में था। कैसा मौसम है सर वहाँ? थोड़ी गर्मी थी, कराची का मौसम ज्यादा बेहतर था। हाँ कराची तो बस ओवरकास्टेड है मुस्तकिल 2 हफ्तों से। अच्छा माइदा अनवर, अच्छा एक माइदा मैं अभी तुम्हें डील करता हूँ, पहले मैं इससे तलाल से कुछ पूछू। अच्छा तलाल जरा मुझे बताओ 7 शेल में एल वैल्यू क्या होगी? बिगेस्ट 6 होगी सर। 6 होगी, यानी इसके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 सब होंगे जी सर। और 6 की रेंज क्या बनेगी? -6 से 6 6 कितने नंबर हो गए? 13। तो कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी? सही है, शाबाश बच्चे। माइदा आई एम जस्ट कमिंग टू यू, एक मिनट रुक जाओ, पहले मुझे इस बात को सब करने दो। मुझे एक इतनी इम्पोर्टेंट बात समराइज करनी है। फर्स्ट शेल में सब शेल कौन है? सिर्फ एस। सेकंड में एस और पी आया, एस पी और डी आया। फोर्थ में एस पी डी एफ आया। फिफ्थ में एस पी डी एफ और जी आया। सिक्स्थ में एस पी डी एफ जी एन एच आया और सेवेंथ में एस पी डी एफ जी एच आई। नहीं बेटा इतना नहीं याद करवाऊंगा, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम्हें पहले तो एक बात रियलाइज करा दो। अकॉर्डिंग टू 2n² फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी थी? 2। थर्ड की कितनी थी? 1850। सिक्स की कितनी थी? 72। और सेवेंथ की कितनी थी? 98। अब्दुल रहमान क्या यही कैपेसिटी निकाली थी अभी थोड़ी देर पहले हमने? यस सर। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? नो पार्टीशन, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने? 3 पार्टीशन थे, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे? 6। डी में कितने आ सकते थे? एफ में कितने आ सकते थे? जी में कितने आ सकते थे? एच में कितने आ सकते थे? और आई में कितने? 26। ये मैंने तुम लोगों से पूछ के लिखे थे सारे, राइट? अब मैं इन कैपेसिटीज को इस्तेमाल करते हुए पहले इस बात की कंफर्मेशन दूं कि क्या ये जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल है क्या ये सही भी है कि नहीं। 98 इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं किसी शेल में, 32 किसी शेल में आ भी सकते हैं कि नहीं। अगर पहला शेल इसके पास सिर्फ एस है तो एस की कैपेसिटी क्या है? 2। इज दिस कंफर्मिंग दिस नंबर? दूसरा शेल एस एन पी, एस कहाँ गायब हो गया? एस में कितने की कैपेसिटी और पी में कितने की कैपेसिटी? टोटल मिला के कितने होंगे सेकंड शेल की कैपेसिटी? बताए मुझे कोई लाए पर, तुम बताओ सर। 8। क्या ये कंफर्म कर रहा है 2n² को? यस सर। थर्ड शेल में 2, 6 और डी की कैपेसिटी कितनी है? रहमान क्या ये बात सही है कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? यस सर। बिल्कुल करेक्टली मेरी बातें सही हो रही हैं? मेरी क्या बोलते साइंस की बात है। फोर्थ शेल में मेरे पास एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, सम करो तो कितना होता है? 32। फिफ्थ शेल में 2, 6, 10, 14 एंड 18, सम करो कितना होता है?
सारे बच्चे पार्टिसिपेट हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 6, 10, 14, 18, 22 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एंड 2, 6, 10, 14, 18, 22 and 26 मिला के कितने होंगे? 98। बच्चों हमने एक आइडिया प्रपोज किया था, उस आइडिया ने मेरी हेल्प की कि रियल कैपेसिटी ऑफ ईच शेल सब शेल कैलकुलेट कर सके। अच्छा अब क्या करना, पहले तो माइदा को देखते। माइदा कैन यू ओपन योर माइक? यस सर। यस यू माइदा, ठीक ठाक हो? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन क्लियरली? क्लियरली, बिल्कुल सबको साफ सुथरी आवाज आ रही। मैंने तुम्हारे कनेक्शन में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, तुम सही कह रही हो, तुम्हें नहीं समझ पाया होगा, वजह ये कि तुम बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही हो, प्रोबेबली दैट मे बी द रीजन। ओके, हेलो माइदा, कैन यू हियर मी? चलो मैं इसका एक, ओके चलो अब बात करते हैं। चलो इस पेज पे आते हैं। सब स्क्रीनशॉट ले लिए सबने? सब पहले ये बताओ, आखिरी 10 मिनट हैं, सबने ले लिए? फहीम साहब, फहीम बात समझ में आई है तुम्हारी कि हमने क्या बात की? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ताकि फिर मुझे एक एक स्टेज और आगे बढ़ा दूं आज की क्लास में। दिल तो नहीं चाह रहा, हम भी आज इतना पढ़ लिया तुम लोगों ने, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा है। हाँ दलाल इसके स्क्रीनशॉट लो। And I believe in एक दिन में जितना समझ में आ जाए बस उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ये पेज 2 हो गया। ये पेज नंबर 3। चलो अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ एक एक को एड्रेस करके। अफीफा खान, कैन यू ओपन योर माइक बेटा, और इफ इट इज इजी फॉर यू। हेलो अफीफा, हाउ आर यू? आर यू देयर? अफीफा खान? यस सर। हेलो। अच्छा अफीफा, इस पूरे आइडिया के अंदर तुम्हें कोई ऐसी बात है जो मुश्किल लग रही है? नो सर, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर, परफेक्ट, माशाल्लाह। दानियाल चट्ठा साहब, कैन यू ओपन योर माइक बेटा? दानियाल साहब, सर
अफगानिया साहब माइक ऑन नहीं कर सकते। हाशिम राणा साहब हाशिम भाई क्या माइक खुल सकता है? ओ दानियल तुम ट्रेन में क्लास ले रहे हो, वाओ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं भी ट्रेन में बैठ के क्लास देना चाहता हूँ। एनीवेज एंजॉय योर ट्रिप, बाद में आके तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। मुंतहा आमिर साहिबा मजीद आगे इसलिए नहीं जाना चाह रहा बेटा, फिर अनफेयर हो जाएगा। अच्छे सात बच्चे एब्सेंट भी हैं, उनके साथ भी अनफेयर हो जाएगा। मुंतहा हाँ बेटा सारी बात समझ में आई मुंतहा तुम्हें? कोई ऐसा पार्ट जो तो मुश्किल लगा वो मुझसे पूछो। एमन कैन यू ओपन योर माइक? यस सर। कैसे हो एमन? आई एम गुड। ओके सो तो नहीं रही थी? नो नो आधे बच्चे बिस्तर में लेट के क्लास लेते हैं ना, पिछली क्लास भी जहाँ हो रही थी मेरी वहां भी बच्चे सो ही रहे थे तकरीबन। ओके उसामा कुछ पूछ रहे हैं। उसामा कह रहे हैं सर सबशेल एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस समझा सकते हैं। एंगुलर क्वांटम टेल्स मी द पार्टीशंस विद इन अ शेल, किसी भी एक एटम में कितने पार्टीशंस हो सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया जा सकता है, एस पी डी एफ जी एच आई। और दूसरा जो इसने पूछा है उसामा ने, ऑर्बिटल्स और सबशेल में। देखो सबशेल एक बड़ा यूनिट है, यानी उसको मैं सब ऑर्बिट कहता हूँ, ऑर्बिट से छोटा। और ऑर्बिटल कौन है? सब ऑर्बिट के हिस्से। So there is a difference of gradation, suborbit bada unit hai, orbitals mazid chhota unit hai. Theek hai Usama? Theek hai, isko retain karke rakhenge जब भी हमारी मुलाकात होगी अगली कल परसों जब भी, उस वक्त इससे रिलेटेड। अच्छा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओवर द अट्रैक्शन फ्रॉम द शेल, ऑब्वियसली फीफा, मोर यू गो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस लेस द अट्रैक्शन मोर द स्पीड। स्पिन क्वांटम अभी हमने छुपा के रखा, इसमें कुछ मतलब कुछ खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात होगी जब तुम इसको पढ़ोगे। इसके लिए हमें पढ़ना क्या है? हंड्स रूल पढ़ना है जो अभी हमसे थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या यहां तक क्लैरिटी है पूरी तरह? बस तो इसको रिटेन कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है लिश्बा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज रहमान अब्दुल, अल्लाह हाफिज ऐमन, अल्लाह हाफिज शहजान, अफीफा खुदा हाफिज, दूसरी अफीफा भी खुदा हाफिज। उम्मे हानी अब्दुल्ला बेटा तुमने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू बेटा?
चलो ठीक है, एनी वेज खुदाफिज। ओके खुदाफिज।